हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो गाइस, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी हमको 44,311, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग से 293 पॉइंट प्लस में है। बैंक निफ्टी ने आज हाई लगा दिया जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट का 44,483 का। बैंक निफ्टी पे हमारा फर्स्ट टारगेट था 44,444 का, ये टारगेट इसने हमें दे दिया प्रॉपर। और बैंक निफ्टी ने अपना जो इम्पोर्टेंट एक रेंज बनाई हुई है इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जब तक बैंक निफ्टी 44,222 के ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट ही मानूंगा मैं, इसको पॉजिटिव ही मानूंगा। गाइस, पिछले दो चार दिनों से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मैं थोड़ा काम में बिजी था। आज शाम को आपको वीकली एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा, आपको इस हफ्ते रेगुलर वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीक मैं अपने गाँव जा रहा हूँ तो कोशिश करूंगा प्रॉपर आपको अपडेट देता रहूँ। बैंक निफ्टी ने दे दिया ब्रेकआउट, अब यहाँ से बैंक निफ्टी जा सकता है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,522 तक जा सकता है आराम से। मैं पहले अपने आज के ट्रेड्स आपको दिखा देता हूँ। इसमें शॉर्टिंग करी थी थोड़ी सी, तो इसमें मैंने मेरा एसएल हिट, तो बड़ी रेड कैंडल बनी है इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था, तो इसमें 3600 का मेरे को लॉस हो गया। ओके, मैंने लॉस इसलिए लिया क्योंकि आज मैंने अपने पोजीशन कवर करी थी एसबीआई का, मैंने 95 पे इसको कवर कर दिया पोजीशन, जो कि तकरीबन 16,500 का प्रॉफिट था, तो मैंने इस प्रॉफिट के ऊपर एक तरह से मैं रिस्क लेता हुआ। दूसरे बाइंग वाले अकाउंट में 3800 का प्रॉफिट है, और एक थर्ड अकाउंट में है, इसमें मैं वैसे ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, मैं दिखा देता हूँ ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। इसमें 10,000 या 11,000 पड़े हुए हैं, मैंने इसमें ट्रेड किया था तो उसमें 2300 का प्रॉफिट हुआ था, बाद में मैंने एमटीएफ में 71 क्वांटिटी एसबीआई की बाय कर ली इसमें। सो गाइस, ये थी हमारी आज के ट्रेड्स, तो हमें मतलब लगभग 2500 प्लस का प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग में। देखिए, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता था जहां तक मेरा था ये बुलिश जाएगा, पर देखिए यहां पे होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। मैं आपको बताता हूं, जो डेली अपना ट्रेड लेके जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग रख रहे हैं, उनका अब एसएल हो गया 44,055 के नीचे की क्लोजिंग। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तो आपको अपना एसएल ले लेना है। एक बार 15 मिनट चार्ट में नजर डाल लेते हैं। देखिए, 15 मिनट चार्ट पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, वो थोड़ा सा लो गया और उसके बाद हाई मारता रहा। मेरे को अंदाजा था क्योंकि मैंने ऊपर इस टाइम पे मैंने कॉल इसलिए लिया अपने जीरोधा वाले अकाउंट में, क्योंकि इतनी ज्यादा पोजीशन क्रिएट हुए थे, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए थे 44,000 के लेवल के, वो सब यहाँ पे शॉर्ट कवर होंगे 43,900 43,800 के, सब शॉर्ट कवरिंग होगी। जैसे ये गैप ओपन हो गया वो सब लोग डर गए, उन्होंने अपना प्रॉफिट उन्होंने अपना लॉस बुक किया, स्टॉप लॉस लगाया, तो एकदम से ग्रीन कैंडल बनी। मेरे को पता था बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग करी और यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने एक अपने प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके मैंने इस जगह का एसएल लिया, ये जो बिग ग्राइंडर कैंडल बनी इसके में मेरा एसएल होगा, कोई दिक्कत। ये क्लोजिंग अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास दी है, तो देखिए कि इस रेंज के अंदर घूम रहा है, जो कि रेंज है 44,300 से लेकर 44,450, ये 150 पॉइंट के रेंज के अंदर घूम रहा है। आपको ध्यान रखना है, इसी 150 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी कल ओपन हो जाता है, ये हमारे बेस्ट कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट आ गए और यहाँ पे बहुत ज्यादा पोजीशन क्रिएट हुई, ऑल टाइम हाई बना दिया इसने, तो इसलिए अब यहाँ पे हमें थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना है कि हमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी है, अपना रिस्क मैनेज करके रखना है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद 5-7 मिनट बिताने के बाद 44,488 का ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर 2-3 मिनट ट्रेड कर जाता है, तो हमारे पास टारगेट आ जाएंगे निकल के 44,555, सेकेंड टारगेट होगा 44,622, थर्ड टारगेट होगा हमारे पास 44,711, फोर्थ टारगेट होगा हमारे पास 44,777 हमारे पास, और हमें जल्दी ही टारगेट, मैं आप बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म में आप होल्डिंग लेते चल रहे हैं तो आपका ऐसा लग हो गया 44,055 का, तो अब इसके चांसेस हैं जाने के 45,522 तक के, उसके पास चांसेस हैं जाने के, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर वापस ऊपर जाएगा। बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन मिल जाता है, देखिए गैप डाउन में सिचुएशन ये रहेगी, गैप डाउन हमें मिलना चाहिए इस लेवल के ऊपर 44,100 के ऊपर, और अगर इसके ऊपर हमें मिल जाता है और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिल जाती है तो उसको मैं आंख बंद करके ट्रेड करूंगा, उसका लो का एसएल लेके मैं यहाँ पर फुल क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। टारगेट हमारे पास निकल के आ जाएंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा 44,222 का, सेकंड टारगेट 44,344 का, और थर्ड टारगेट हमारे पास 44,444 का, ये तीन टारगेट हमारे पास निकल के आ जाएंगे ऊपर की साइड। अगर गैप डाउन होने के बाद ये नीचे की तरफ जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ऐसे चांसेस बहुत कम है, पर अगर ऐसा होता है गैप डाउन ओपन होने के साथ ही नीचे जाता है तो मैं कोई ट्रेड करूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा मेरा सेटअप आगे बनता है दिन में आगे जाके तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। बात करते हैं बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, देखिए अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाएगा थोड़ा शांत बैठना पड़ेगा, इस बार गैप अप ओपन होगा तो मेरे को लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो शुरू के 5 मिनट तो ट्रेड मत कीजिए, 5 मिनट की कैंडल शुरू की छोड़ दिए, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। अगर उस 5 मिनट के हाई को निकाल कर उसके ऊपर 5-7 मिनट ट्रेड करने लगता है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, पर 60-80 पॉइंट्स के लिए बस, अदरवाइज आप शांति बैठे रहे कॉल बाय होने पे, या फिर कोई रेंज बनाने दे मार्केट को, कोई रेंज बना दे और उस रेंज को ट्रेड कर। मैं वीकली ऐसे शाम को पोस्ट कर दूंगा, आप उसको भी देखिएगा उस वीडियो को, उससे क्या एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पता लग जाता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाला है, कितने इसके टारगेट निकल के आते हैं,
और इंट्राडे के अलग टारगेट्स होते हैं, ठीक है। इंट्राडे जो हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस जरूर होता है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो बढ़िया ट्रेड होगा। सो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।